नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों, दोस्तों आप लोग हो जाइए बहुत बहुत सावधान। आने वाले अगले 3 दिनों तक यानी कि दिनांक 16, 17 और 18 अगस्त 2023 तक दोस्तों यह 3 दिन तक आप लोग बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों सांप से भी भयंकर डसेगी यह एक औरत। जी हां दोस्तों, आपका काल बनकर आई है आपके ज़िंदगी में। दोस्तों, आपकी बर्बादी के पीछे इसका ही हाथ है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, जिन परेशानी को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं, दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी परेशानी आती है, दोस्तों इन सभी पीछे का कारण केवल यही औरत है। दोस्तों, एक प्रकार से यूँ कहें तो यह औरत आपके ज़िंदगी में सांप की तरह काल बनने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको सांप की तरह डसने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप लोग वक्त रहते इस औरत से सावधान नहीं होंगे तो दोस्तों यह औरत आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके ही रखेंगी। जी दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियां ऐसी आपकी ज़िंदगी से यह औरत झेल लेंगी कि दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर कौन से औरत है जो आपकी ज़िंदगी में सांप बनकर बैठी हुई हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बारे में सोच रही हैं, जो आपको पूरी तरह से समाप्त करने के बारे में सोच रही हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भूल से मिस ना करें। आपको हम सारी जानकारी बताएंगे कि दोस्तों आखिर यह औरत है कौन जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, और इनके साथ ही आपको बताएंगे कि आने वाला यह 3 दिनों का समय भी कैसा लेकर आ रही हैं। इन 3 दिनों के भीतर आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन भी होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, कौन कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, कौन कौन से और क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, और इन 3 दिनों के समय में आपके बिजनेस व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या बड़े सुधार देखने को मिलेंगे, और आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको हम सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, और वो भी 100% सच। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप लोग मिस करेंगे या फिर आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, और यह औरत आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके ही रख देंगी। जी दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले माता रानी जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, इस वीडियो कभी कभी अपने दोनों हाथों से एक प्यारा तिलक जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता रानी 3 बार जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी और माता रानी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह औरत कौन है जो आपकी ज़िंदगी में सांप से भयंकर डसने वाली है, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के बारे में सोच रही है। दोस्तों, हम आप सभी प्यारे मित्रों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों यह औरत आपका कोई बाहर का नहीं है, बल्कि दोस्तों आपका अपना ही लोग हैं। दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी में जिस औरत के बातों पर आप हमेशा चलते हैं, जो औरत आपको जो कहते हैं, दोस्तों आप जिस औरत के बातों पर हमेशा अपने ज़िंदगी में हर काम करते हैं, और जिस औरत के ऊपर आप हमेशा अपने ज़िंदगी में विश्वास और भरोसा करते हैं, दोस्तों वही औरत आपको ज़िंदगी में धोखा दे रही हैं। दोस्तों, आपके साथ विश्वासघात कर रही हैं और आपको अंदर ही अंदर से बर्बाद भी कर रही हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी अचानक घटनाएं घटती हैं कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुसीबतें आती हैं, कोई भी संकटें आती हैं, तो दोस्तों इन सभी पीछे का कारण केवल यही औरत है। दोस्तों, आप हमेशा
जिस औरत के ऊपर विश्वास करते हैं दोस्त, वही औरत आपको ज़िंदगी बार बार धोखा दे रहे हैं। चाहे आपके जो भी हो, आपके जीवन साथी हो, आपके कोई महिला मित्र हो, या फिर आपके कोई घर का सदस्य हो, या फिर आपके कोई आस पड़ोस का कोई महिला हो, दोस्तों आप जिन महिलाओं के बातों पर हर ज़िंदगी में हर काम करते हैं, आप उनके और हर बात विश्वास करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को अब इनसे हो जाना है सावधान। अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को अब ज़िंदगी में रहना पड़ेगा बहुत ही सावधान। दोस्तों यही औरत आपको ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और आपके ज़िंदगी में सांप बनकर बैठी हुई हैं। दोस्तों यह औरत आपकी ज़िंदगी में एक प्रकार से यूँ कहें तो आग लगाने के काम कर रही हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप अपने ज़िंदगी के बारे में हर बातें आप इन औरतों को बता देते हैं। आप ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं और आप क्या करेंगे, हर बात आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बता देते हैं। लेकिन दोस्तों यह औरत आपकी हर बातों को जानते हैं और आपके ही ऊपर वो ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी वक्त रहते इस औरतों से सावधानी नहीं बरतेंगे तो दोस्तों यह औरत आपकी पूरी जीवन को ही बर्बाद करके रख देंगी और दोस्तों आपको रोड पर भी ला सकती हैं। इसलिए आप लोग अब हो जाइए सावधान और ज़िंदगी में आप किसी भी औरत पर विश्वास और भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में आपका अपना कोई भी नहीं है। दोस्तों आप अगर विश्वास करेंगे तो खुद अब अपने ऊपर करें, क्योंकि दोस्तों खुद अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और ना ही आप ज़िंदगी में कभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में ये गलतियाँ करती आ रही हैं तो आप लोग अब हो जाइए सावधान, नहीं तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर रोते रहेंगे और दोस्तों ये औरत आपके पूरी जीवन को बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर यह औरतें आपको ज़िंदगी के बारे में कोई भी काम करने के लिए कह रहे हैं, आपको ज़िंदगी में कोई फैसला लेने के लिए बोल रहे हैं, तो दोस्तों आप उनकी बातों को सुन लें। लेकिन दोस्तों आप उनकी बातों पर ना चलें, आप वही करें जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन कहे। क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरों की बातों पर चलेंगे ज़िंदगी में तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप हमेशा ज़िंदगी में पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद की बातों पर चलना है। दोस्तों अगर आप लोगों की बातों पर चलेंगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा पीछे के पीछे ही रह जाओगे। इसलिए इस बात के ऐसे में आप बहुत ही ख्याल जरूर रखना, तभी आप ज़िंदगी में हमेशा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और तभी आपके ज़िंदगी में कभी कोई मुसीबतें भी नहीं आएंगी। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आने वाला यह 3 दिनों का समय आपके लिए कैसा लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आने वाला यह 3 दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इन 3 दिनों के समय अवधि में आपको अपने किसी भी मित्र की ओर से कुछ ऐसे बड़े आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर आपका मन भी ऐसे काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं। और इनके साथ ही यह समय आपको अपने करियर और कारोबार के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर आपका दिल या समय काफ़ी खुश भी हो जाएंगे। और दोस्त, यदि आप लंबे समय से अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपकी कामना भी ऐसे पूरी हो सकती हैं और आप लोगों को इस क्षेत्र में कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और वहीं इस राशि के जो भी लोग काफ़ी लंबे समय से रोज़गार की तलाश में भटक रहे थे तो उन लोगों की कामना भी इसमें पूरी हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप इसमें व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही शुभ भी साबित होने वाली है। दोस्तों यात्रा के दौरान आप लोगों को काफ़ी अच्छे मनचाहे लाभ भी मिलने वाला है, जिनसे आप काफ़ी खुश भी इसमें दिखाई दे सकते हैं और कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना भी आपके इसमें फलीभूत होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप अगर अपने कारोबार में कोई भी योजना बना रहे थे तो आपकी अभी कामना इसमें पूरी हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप इसमें पैसों का किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा संभल कर इसमें लेन देन करने की आवश्यकताएँ होंगी। या समय आप किसी भी अजनबियों के साथ पैसा लेन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो दोस्तों आपका पैसा या समय डूब भी सकता है या फिर आपका पैसा वापस कभी नहीं आ सकता है। और साथ ही या समय अगर आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के बारे में सोचेंगे तो ज़रा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों या समय निवेश के मामले में दिन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकते हैं। दोस्तों या समय आप
जानबूझकर किसी भी क्षेत्र में निवेश ना करें। ऐसे में आप जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं, जिस क्षेत्र में आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है, आप उसी क्षेत्र में इसमें निवेश करें और जल्दबाजी में आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर आज आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपकी एक गलत कदम दोस्तों आपको ज़िंदगी भर रोने पड़ सकते हैं। और दोस्तों नौकरी पेशा लोगों की आजमा आय के नए स्रोत भी बनेंगे और संचित धन में ऐसा आपकी काफ़ी अच्छी वृद्धि भी देखने को मिल रही है। और ऐसा आपके व्यक्तिगत जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और ऐसा आप अकेला चलो के बजाय मिलजुल कर काम करने की रणनीति अगर आप बनाते हैं, तो आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और आपके विरोधी भी ऐसा आपके कार्य की क्षमता और उससे जुड़े प्रबंधन को देखकर हैरान भी रहेंगे। और आपके विरोधी भी ऐसे में आपसे परास्त भी हो सकते हैं। और दोस्तों अगर पारिवारिक जीवन की बात करें, तो यह समय अवधि में आपके परिवार में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर काफ़ी लंबे समय से लड़ाई झगड़ा चल रहे थे, तो आपकी परेशानी ऐसे में दूर हो सकती है। और इनके साथ ही अगर किसी प्रकार की चिंताओं से आप लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, तो आपकी चिंताएँ भी ऐसे में दूर होने वाली हैं। और इनके साथ ही ऐसे में आपके परिवार के छोटे बच्चों के साथ या समय आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, जिनसे आपके लिए बहुत अच्छा साबित भी हो सकता है। और या समय आप काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए, तो या समय अवधि में सीने में दर्द की शिकायतें आपकी देखी जा सकती हैं। और हृदय रोगी एवं दवा परहेज संबंधी कोई लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप लोगों को पछताना भी पड़ सकता है। और आपके छोटी से लापरवाही के चलते दोस्तों आप लोगों को जीवन में बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकताएं होंगी तभी आप लोगों के लिए यह 3 दिन का समय काफ़ी अच्छा व्यतीत भी हो सकता है।